पब्लिक टीवी आपकी आवाज। एशियन विवेकानंद अस्पताल में विवेकानंद जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल बांटी गई। प्रदेश सरकार के तत्वावधान में मेधावी विद्यार्थियों को स्मार्टफोन वितरित किए गए। नर्सिंग के विद्यार्थियों को नर्सिंग के क्षेत्र में सेवाभाव से कार्य करने की शपथ दिलाई गई। देश के राज्य मंत्री तरुण राठी, विधायक रितेश गुप्ता, राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार, पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम, प्रिया अग्रवाल, राकेश खन्ना, रामकिशन खन्ना, श्याम बिहारी मेहरोत्रा आदि अतिथियों के साथ मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट एंड हेल्थ रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष सुभाष चंद्र ढल, सचिव डॉक्टर नीरज खन्ना, कमल चंद्र अग्रवाल, नजमुल इस्लाम, शैलेंद्र खन्ना, रोहित ढल के साथ और भी लोग उपस्थित रहे। आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज आपको ये दृश्य कि कैसे वो आज ये ओथ लेकर जो आप मानवता की सेवा करने का वचन ले रहे हैं। और आगे ले जाने का पूरा कर्तव्य निभा रहे हैं। नीरज खन्ना जी बधाई के पात्र हैं। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं उनको, उनकी टीम को अपनी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां और सभी को नमन प्रणाम। आज की मुरादाबाद चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा यहाँ पे कुछ दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल का वितरण किया गया और सबसे अच्छी बात यह लगी कि जिस व्यक्ति को ट्राई साइकिल दी गई, बहुत खुशी के साथ उन्होंने अपने दिल में जो था उसको बोला, उसको व्यक्त किया, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं इस ट्रस्ट को, ट्रस्ट के साथ ट्रस्टीज को, धीरज भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। श्याम बिहारी अंकल ने अभी विनोद खन्ना अंकल का जिक्र किया, ये सच्चाई है कि विनोद खन्ना अंकल ने मुरादाबाद के लिए, मुरादाबाद के लोगों के लिए समाज सेवा में नया आयाम खड़ा किया। उन्होंने इस इंस्टीट्यूट को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जो पौधा उनके द्वारा लगाया गया था उस पौधों को और बड़ा करने का काम उनके सुपुत्र श्री नीरज खन्ना जी कर रहे हैं। नीरज खन्ना जी ने विवेकानंद इंस्टीट्यूट को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया। वो खाली इस क्षेत्र में ही नहीं, मैं तो उनको बचपन से जानता हूँ, बचपन से उनके कैलिबर को मैंने देखा है कि जहाँ भी वो खड़े हुए जो लकीर उन्होंने खींची उस लकीर को पार करना बहुत मुश्किल दूसरे व्यक्ति के लिए हो गया। इतने अच्छे युवा और पॉजिटिव व्यक्ति के लिए हमें जोरदार ताली बजानी चाहिए। साथ जो मेरे कुछ युवा साथी हैं, मैं एक बार फिर उनके सामने उनकी कुछ अच्छी बातें हैं जो रिपीट करना चाहता हूं। वो कहा करते थे कि जो दुनिया है ये पहले अच्छे और हटकर काम करने वाले का मजाक उड़ाती है, फिर विरोध करती है और बाद में स्वीकार कर लेती है। मतलब अगर आप किसी भी क्षेत्र में हो अपने जीवन में, शुरू में आपको हंसी का पात्र बनना ही पड़ेगा। अगर आपको कुछ भी जीवन में हटके करना है, ये आप तय करके करना है। और जब आप कुछ आगे बढ़ जाएंगे, कुछ दिखने लगेगा, लोग आपको जानने लगेंगे, अप्रिशिएट करने लगेंगे जब अच्छे लोग, तब आपका विरोध होगा। और जब आप अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे तो यही लोग आपको स्वीकार कर लेंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज।